एवरीवन एक बार फिर से आपका स्वागत है घर की कला चैनल में और आज हम बात करने वाले हैं ना ही किसी सूट के बारे में ना ही किसी तरीके के खाने के व्यंजन के बारे में लेकिन जो आज बात करने जा रहे हैं वो एक गंभीर टॉपिक होने वाला है मैं सबका टेंशन इसलिए चाहता हूं क्योंकि ये मेरी मम्मी का चैनल है और जैसा कि आपको पता है यहाँ पे टू सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा लोग मौजूद हैं तो ये वीडियो सिर्फ़ एक तरीके का चेतावनी है उन सब के लिए जो अभी भी इसको मजाक में ले रहे हैं और कोविड के लिए इतना सीरियस नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो सबसे पहले आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो बहुत सिंपल है मेरे पास लिस्ट टॉपिक्स की जो मैं आपको बताने वाला हूँ और उनमें से सबसे पहला है कोरोना वायरस डेफिनेटली कोविड नाइन्टीन का क्या इम्पैक्ट है हमारे इस टाइम के दुनिया में और किस तरीके से ये चीजों को बदल रहा है सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कितने तरीके के स्ट्रेन हैं इस वक्त कोविड 19 जो फिजा में फैला हुआ है और इसकी इंटेंसिटी भी बताऊंगा जो पहले से अब ज्यादा डेंजरस है ज्यादा अलार्मिंग है तो आपको इस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा तीसरी चीज है करंट स्टैट्स uh, मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स यानी वेरी टू डेज में लाइक like आवर्स पे अपडेट की गई करंट स्टैट्स रहेंगी जो आपको काफी हद तक आ, ये इंफॉर्मेशन दे देंगी कि ना ही सिर्फ इंडिया बट दूसरे मुल्क और दूसरी कंट्रीज के साथ क्या चल रहा है इसके बाद हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन जिसकी सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरत पड़ रही है हर इंसान को चाहे वो कहीं पर भी हो क्योंकि इस टाइम पे इस वक्त का जो कोविड है वो किस तरीके से ऑक्सीजन को आपके बॉडी से खत्म कर रहा है लाइक एसपीटी, एसपीओ टू आपका 95 से नीचे जा रहा है 80 से आ, 90 के बीच में है तो ऐसा क्यों है और अगर से ये है तो ये काफ़ी अलार्मिंग होने वाला है आज हम इसी सारे कुछ चीज़ों पे बात करेंगे प्लीज मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कोरोना वायरस के बारे में फिर उनके स्ट्रेन किस किस तरीके के हैं किस तरीके से वो इस दुनिया में लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं और अब समझ सकते हैं कि कोविड एक बहुत बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है इस वक्त तो मैं आपको स्टैट्स भी इसीलिए दिखाऊंगा और उसके बाद हम लोग चलेंगे उस प्रोसेस uh, के बारे में बात करने जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल्स आपकी बॉडी से बहुत तेजी से डिक्रीज होता है तो चलिए पहली बात अगर से करें हमारे कोरोना वायरस को लेके तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि इसके बारे में आप पहले से आपको बहुत सारा आइडिया यानी फर्स्ट वेव हम सब देख चुके हैं और कितने ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स रहे हैं ये सबके दिमाग में मौजूद है कोरोना वायरस एक ऐसा एक्सटर्नल फॉरेन वायरस है जो आपके बॉडी में आने के बाद आपके इन्फ्लेमेशन के बाद इन्फ्लेमेशन यानी वो प्रोसेस uh, जिसमें आपकी बॉडी फॉरेन मटेरियल से लड़ने के लिए अपनी पूरी भरसक प्रयत्न करके प्रयास करती है कि उसको बाहर निकाल पाए इफ केस वो नहीं निकलता तो आपके लंग्स पे वो वायरस जाके डायरेक्ट अटैक करता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल्स काफी कम हो जाते हैं दूसरी बात करें टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की यानी स्ट्रेन कितने प्रकार के हैं इस वक्त तो पहले कोविड की वेव में जो हमारे इंडिया में आई थी एक और दो स्ट्रेन एकदम लास्ट के टाइम पे देखने को मिले थे लेकिन अभी जो कोविड नाइनटीन की सेकेंड वेव है मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें चार अलग अलग स्ट्रेन्स पाए जाते हैं जिसमें से सबसे पहला है यूके वेरिएंट और उसके बाद आता है ब्राजीलियन वेरिएंट जो यूके वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है फिर आता है साउथ अफ्रीकन वेरिएंट और लास्ट में डबल म्यूटेशन डबल म्यूटेशन बहुत ज्यादा खतरनाक है और आप ये काफी तेजी से प्रिवेल हो रहा है इंडिया में और मैं आपको बताता हूँ क्यों आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो हमारी फर्स्ट वेव थी कोविड की जो सबने देखी और उसके परिणाम भी सबको देखने को मिले थे उसमें अगर से एक व्यक्ति कोरोना से इन्फेक्टेड uh, है तो अगर से वो जिस रूम में बैठा है और उसमें छह से सात लोग बैठे हुए हैं उसके पास में तो वो से सात लोग इन्फेक्टेड या इन्फेक्ट हो जाते थे लेकिन अब अगर से आप डबल म्यूटेशन वायरस या डबल म्यूटेशन वेरिएंट की बात करें इस कोविड 19 के सेकेंड वेव की तो वो चीज छह से सात लोगों को जो इन्फेक्ट करते थे जो लोग दूसरे थे कोरोना अफेक्टेड अब वो बारह से पंद्रह लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं This is नहीं ये, लेकिन और भी ज्यादा कॉम्प्लीकेशन है जो काफी डिटेल्ड लिए आपको बतानी पड़ेगी अगर म्यूटेशन की ही वीडियो बनाऊं तो मुझे को दो घंटे लग सकते हैं आपको चीजें समझाने के लिए तो ये सारे वेरिएंट्स है जो आपको ख्याल में रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक या दो वेरियंट नहीं है जो काफी इजिली आप स्केप कर सकें लेकिन बहुत सारे हैं तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपको किस तरीके से अपने दिन को स्टार्ट करना चाहिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो डेफिनेटली मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप मुझसे ज्यादा जानते हैं अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बात हम कर चुके हैं कोरोना वायरस के बारे में बता दिया अब आपको मैं अब स्टैटिस्टिक्स दिखाने जा रहा हूं जो आपको असल दुनिया से भी वाकिफ करवाएंगे अब अगर से हम बात करें कोरोना डिजीज के बारे में और ये गूगल से निकाली हुई आ, लास्ट टू डेज वो है बट स्टिल ये 24 आवर्स बिफोर अपडेटेड है तो ये काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड केसेस हैं और मैं आपको बहुत सिंपली ये चीज़ बताने वाला हूँ जो पिछली बार कोरोना था आ, ये मैं अपना पिक कर लूँ जो पिछली बार कोरोना का आ, आपने पीक देखी थी यानी ये लाइक ट्वेंटी फोर से नवंबर के बीच यानी समवेयर लाइक मार्च में जो पिछले मार्च में आपको देखने को मिला था वो जितने भी थे मगर एक लाख से कम थे आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं जो पिछले यानी फर्स्ट वेव कोरोना जो था उसके जितने भी मैक्सिमम पीक रही है वो हमेशा वन लाख के फिगर से कम रही है लेकिन वहीं अगर से आप बात करें हमारे करंट सिचुएशन की जहां पे ट्वेंटी थर्ड अप्रैल की बात करी जाए तो ये पीक अभी आई नहीं है मैं आपको पीक वाले नंबर्स भी बता दूंगा लेकिन ये स्टार्टिंग यानी इनिशियल फेज में ही तीन लाख क्रॉस कर चुका है और जैसा कि न्यू केसेस आप यहाँ देख सकते हैं तीन लाख छियालीस हजार केसेस है लगभग लगभग थ्री लाख फोर्टी सेवन थाउजेंड कह सकते हैं तो ये थ्री लाख फोर्टी सेवन थाउजेंड केसेस कितने ज्यादा लीथल हैं आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं जब ये इनिशियल यानी स्टार्टिंग फेज में था कोरोना का तो हमारे पास मुझे लग रहा है कि एक हजार से भी कम केसेस थे लेकिन अगर से अभी आप बात करते हैं वहीं जो अभी जो स्टार्ट हो रहा है सेकेंड वेव कोरोना का उसमें डेफिनेटली तीन लाख से भी ज्यादा केस आ चुके हैं और सिर्फ एक हफ्ता हुआ है तो इंडिया के लिए ये काफी अलार्मिंग बात है और बहुत ज्यादा इसका असर देखने को मिलेगा ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ लेकिन ये एकदम ट्रुथ और बिल्कुल सच्चाई पे आधारित सारी चीजें आपके सामने हैं ये सारे स्टैट्स आपको डराने के लिए नहीं है लेकिन डेफिनेटली चेतावनी देने के लिए और एक काइंड ऑफ वार्निंग है कि आप समझ सके चीजों को नेक्स्ट चलते हैं अगर से हम केसेस की बात करें तो 16.6 मिलियन केसेस आ चुके हैं अभी तक मैं आपको बता दूं एक मिलियन में दस लाख होते हैं तो मोर देन 60 लाख पीपल और ये आपके सामने है जिसमें से दो लाख लोगों की लगभग डेथ हो चुकी है यहाँ पे वन एक लाख नब्बे हजार दिख रहा है बट और पॉइंट स्ट्रक्चर में एक लाख नब्बे हजार समथिंग है तो का आप समझ सकते हैं डेथ का अंदाजा क्या होने वाला है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है और मैं काफी मुझे अफसोस होता है इन सारी चीजों को देख के वहीं अगर से आप रिकवरी रेट की बात करें तो 13.9 मिलियन अकॉर्डिंग टू गूगल हमारी रिकवरी है बट स्टेट्स के अकॉर्डिंग ये काफी कम है एस कंपेयर टू डेथ बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन uh, की तो मैं आपको ये दिखाना और बताना चाहूंगा कि एक डोज की बात करें तो हमारे 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में 8.6 परसेंट लोगों को ही पहला डोज लग पाया है जो कि काफी काफी कम है अकॉर्डिंग टू इंडिया अगर से फुली वैक्सीनेटेड की आप बात करते हैं कि जिनको दोनों ही डोज लग चुके हैं वैक्सीन के दोनों शॉर्ट्स उन्हें मिल चुके हैं वो जस्ट 1.6 परसेंट यानी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में 9 के पहली और like 1%, कितनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है मैं अगेन यहाँ पे आपको डराना नहीं चाहता लेकिन मैं सिर्फ आपको चीजें बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में स्टैट्स रहें और सिर्फ आप अपने इन्वाट में लोगों को नहीं देख रहे हैं आस के लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से आपसे संपर्क में आ रहे हैं उनको जरूर जरूर प्लीज प्लीज ये सारी चीजें आप बताएं और वॉन्ट करें ताकि चीजें काफी सही रहें अब हम चल रहे हैं ना ही सिर्फ इंडिया के बारे में बात करने लेकिन और भी कंट्रीज के अब आप इस लिस्ट को देख सकते हैं बहुत आसान है पढ़ना यहाँ पे है कंट्री का नाम लाइक इंडिया है या हमारा भारत है फिर ब्राजील है टर्की है फिर यूएस है फिर फ्रांस ईरान जर्मनी इटली और आप साफ़ साफ़ देख सकते हैं कि नंबर पे पे जो न्यू केसेस के रैली पे आ रहा है, वो और कोई नहीं हमारा भारत है इंडिया में तीन लाख पचास हजार केसेस दर्ज हुए हैं पिछले एक दिन में तीन लाख पचास हजार कम नंबर्स नहीं है अभी डरने की बात इससे इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो इन तीन लाख पचास हजार केसेस से इंडिया को पड़ने वाला है वो है डेथ रेट अब ये जो लाल लाल में आप देख पा रहे हैं इधर अगर से ये मैं बॉक्स आपके लिए मार्क कर देता हूँ ये है उस पर्टिकुलर कंट्री के जैसे आप इस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो ये उसकी रैंकिंग है वर्ल्ड पे जो कि इंडिया के हिस्से में फर्स्ट है और इंडिया के करंट केसेस यहाँ हैं यानी तीन लाख पचास हजार और अगर से आप बात करें कितनी डेथ हुई है तो वो ये है टू लैक्स टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्स भी बट हम लोगों के पास वो नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया किस तरीके से किस प्रकार से इस वक्त क्या स्थिति इंडिया के अंदर चल रही है इसके जस्ट बाद नीदर द लीस्ट जो डेथ के मामले में ज्यादा है लेकिन उनके केसेस काफी कम है वो ब्राज़ील है ब्राजील में करीब करीब सत्तर हजार केसेस पाए गए हैं जिनमें से दो हजार 870 लोगों की डेथ हो चुकी है जो इंडिया से ज्यादा लीथल है अगर से हम डेथ के मामले में कंपेयर करें टर्की भी पीछे नहीं है इसमें 40,000 केसेस हैं डेथ का आंकड़ा है कुछ 400 के करीब फिर यूएस भी है यूएस में अब फिर से वेव स्टार्ट हो चुकी है आप अंदाजा लगा सकते हैं चालीस हजार केसेस अब तक आ चुके हैं यूएस में सेकेंड वेव के और 539 लोग 540 लोगों की कम से कम इसमें डेथ हुई है ये मैं आपको डराने के लिए फिर नहीं कह रहा हूं अगर से मैं इंडिया की बात करूं तो ये फिगर्स हैं ब्राजील के आप देख सकते हैं देन अगेन टर्की आता है यूएसए उसके जस्ट पीछे फिर फ्रांस है इरेन है और ये मैं पूरी लिस्ट आपको बना भी नहीं पा एक तरीके से ये लिस्ट सिर्फ और सिर्फ बारह कंट्रीज की है बट एफेक्टेड होने वाली कंट्रीज सेवेंटी है नंबर्स में मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि आप प्लीज डरे नहीं लेकिन इन सारी चीजों से कुछ ना कुछ सीखें प्लीज लर्न समथिंग कि आपको किस तरीके से रहना है क्योंकि आपके लिए आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है आपके लिए आपका सब कुछ वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको हेल्थी लगती है और हेल्थ कम्स ऑलवेज फर्स्ट चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा बताने के लिए और यहाँ पे मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्यों जो है ऑक्सीजन 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 पूरा इंडिया चिल्ला रहा है और हम लोगों के पास काफी ज्यादा कमी है लेकिन मरीज बहुत ज्यादा हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले जब आप किसी कोरोना वायरस ये से पीड़ित आ, के टच में आते हैं तो वायरस अंदर घुसता है जैसे कि आप सांस लेते हैं तो सांस आपके मुंह से होते हुए फिर वो लंग्स में जाती है अब अगर से ये लंग्स में गई है तो लंग्स में एग्जैक्टली exactly क्या होता है ये डेफिनेटली आपकी लंग है ये जो आप देख सकते हैं ये आपकी लंग है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लेकिन इसके अंदर जो होते हैं छोटे 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 ये आपको छोटे छोटे डॉट्स जो दिख रहे हैं एक्चुअली वो डॉट्स कुछ और नहीं लेकिन एयर फिल्ड सैक होते हैं ये बस इसका थोड़ा सा अः मैग्निफाइड रूप है ताकि आप समझ सके अब इन एयर सैक्स में जो आपने हवा यहाँ पे अपने मुंह से ली और जो लंग में गई है आपके यहाँ से आपके लंग में अः आई है वो हवा जाती है आपके लंग्स के एल्विलाइज़ में और उसके अंदर रहता है ये एयर सैक्स अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर की वेसल है और एक ब्लू कलर की या फिर ग्रीन कलर की वेसल है जैसा कि आप जानते हैं रेड इज फॉर प्योर ब्लड और ग्रीन या ब्लू वेसल इज फॉर इंप्योर ब्लड तो ये जो है जैसे ही आप यहाँ पे हवा लेते हैं यानी उसमें कई सारे आ, अलग अलग कंस्ट्रेंट्स होते हैं अलग अलग जो है कॉम्पोजिशन होती है गैसेस की जिसमें से ऑक्सीजन भी होता है और इन एयर सैक्स का बेसिकली इन एयर सैक्स का मकसद सिर्फ इतना होता है कि जो एयर आपने ली है अपने रंग में उसको आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन घोल के पहुंचाना एज सिंपल एज दैट ठीक है इतना आपको समझ में आ गया कि आपने यहाँ पे हवा ली आपके वो लंग्स में गई लंग्स में होते हैं एयर साक्स जिसमें हवा जाती है और फिर वो एक्सचेंज करते हैं आपके बॉडी के ब्लड में ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे हम हो हेमोग्लोबिन कहते हैं पहुंचाने में ठीक है अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आदमी कोविड से इंफेक्टेड था उसका रंग ग्रीन है इसने छीका और छींकते वक्त इसके मुंह से निकला सार्स का कोवटू जिसे हम कोविड नाइन्टीन भी कहते हैं इस वायरस में आप देख सकते हैं देखिए स्पाइक्स है इसको हम स्पाइक्स कहते हैं आप ऐसे समझ सकते हैं किसी भी तरीके का काटा ठीक है एज सिंपल एज दैट अब ये वायरस आपके मुंह में चला गया लेट सपोज ये आपके मुंह में चला गया और आपने एयर के साथ इस वायरस को इनहेल किया अब क्या होता है होता ये है कि जब ये वायरस आपके मुंह से नीचे जाता है आपके ब्लड स्ट्रीम में तो जैसा कि आप मैंने आपको बताया था कि उसमें कांटे लगे होते हैं यानी इट हैज स्पाइक्स तो कोरोना वायरस में स्पाइक्स होती हैं इसमें कांटे होते हैं ठीक है और अंदर इसके जेनेटिक मटेरियल भरा रहता है जो सेल्स uh, को को अपने अपने कॉपी और और ही जैसे और सारे वायरसेस बनाने में मल्टीप्लाई करके करोड़ बनाने में हेल्प करता है तो अंदर रहता है जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे अंदर रहता है जेनेटिक मटेरियल और ये जो बाहर आप देख पा रहे हैं ये स्पाइक है ये सिर्फ इसलिए है ताकि ये आपके बॉडी से कम्युनिकेट uh, कर सके आपके बॉडी से जुड़ सके और उसके बाद अपनी कॉपीज को आगे बना सके इस जेनेटिक मटेरियल के दौरान तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके ब्लड सेल्स में आपके इंटरनल बॉडी में जो आप देख नहीं सकते हैं, उसमें भी स्पाइक्स होते हैं ये आप देख पा रहे होंगे ये स्पाइक्स हमारे बॉडी में भी होते हैं ये एक्चुअली एक तरीके के आ, रिसेप्टर्स होते हैं जिससे कोरोना वायरस अपने स्पाइक को जैसे ये स्पाइक है और वो इस स्पाइक को आपके बॉडी के ब्लड सेल्स में जो स्पाइक पाए जा रहे हैं उससे जोड़ लेता है एक बार कोरोना वायरस जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इसको तो ये आपके बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में मौजूद जो है आ, पार्टिकल्स के स्पाइक थे और ये कोरोना वायरस का स्पाइक था और कोरोना वायरस के स्पाइक ने इस बॉडी के पार्टिकल के स्पाइक के साथ अपने आप को जोड़ लिया जिस जितने जल्दी ये अपने आप को जोड़ते हैं फौरन ये आपके बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं क्योंकि वो एक डोर मिलता है इनको आपके अंदर घुस के अपने आप को मल्टीप्लाई करने का अब जैसे कि इस इमेज में आप देख पा रहे हैं स्लाइड में उसने इसी स्पाइक का इस्तेमाल करके और अपने इस इस्तेमाल और इस स्पाइक का इस्तेमाल करके आपके बॉडी के अंदर इंटर यू नो अपनी जगह बना ली इसको आप एयरवे सेल भी कह सकते हैं या एक गेट कह सकते हैं तो गेट के थ्रू वो आपके बॉडी के अंदर आ चुका है अब जब वो यहाँ पे आ जाता है तो ये जो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इस वायरस के अंदर भरा रहता है वो उस जेनेटिक मटेरियल को आपकी बॉडी में ट्रांसफर करके ये जो जितना भी इसका जेनेटिक मटेरियल था उसने ट्रांसफर किया इधर इधर, से उदर, उदर से उधर, उधर और फाइनली ये एक ये दो ये तीन और इस तरीके से लाखों करोड़ों और अरबों वायरस आपके जो कोरोना वायरस होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो आप उतने ज्यादा बीमार होते हैं अब इसके रिस्पॉन्स में जैसे ही कोरोना वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है तो हमारी बॉडी जो है काफी ज्यादा एक्टिव होती है इन सारी चीजों को समझने के लिए तो वो समझ जाती है कि हाँ खतरा है यहाँ पे और कोई दिक्कत हुई है कोई फॉरेन मटेरियल जरूर जो है बॉडी में आया है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है अब सार्सकोफ की बात कर रहे हैं यानी ये कोविड नाइनटीन है कोविड नाइनटीन जैसे ही आपके बॉडी में एंटर होता है जिस तरीके से वो लंग्स में जाता है और उसके बाद सबसे पहला उसका जो है हमला होता है आपके एयर सैक्स पे जो भी अभी छोटी छोटे एयर सैक्स आपने थोड़ी देर पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब आप ऑक्सीजन इंटेक करते हैं और उसके बाद ये लंग्स में जाती है लंग्स के बाद ये एयर सैक्स में ये छोटे छोटे एयर सैक्स है ये अंगूर के गुच्छे की तरह होते हैं जिसमें आपको सांस जब आप लेते हैं तो आपके उसमें एयर से ऑक्सीजन को भी आ, अलग करके उसे वे में आपके पूरे बॉडी के खून में पहुंचाता है जो कि आपके बॉडी के चलते रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहती है तो ऑक्सीजन मात्रा जिसे आप एस भी कहते हैं जो आप डिवाइस uh, लगा के अपने एस पी को मेजर करते हैं और कहते हैं हाँ 98 परसेंट है तो बहुत अच्छा है 95 है तब तो भी ठीक है लेकिन 82 हो गया तो खराब हो गया 68 हो गया अरे बहुत ख़राब हो गया अब इसकी ऑक्सीजन कम हो रही है तब हमको जरूरत पड़ जाती है वेंटिलेटर्स की यानी ये कुछ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देने के तरीके हैं यानी वेंटिलेटर्स की या आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सिलेंडर की आपको जरूरत पड़ती है सिर्फ इसी वजह से बिकॉज ये कोविड जब आपके अंदर इंटर करता है तो वो सीधे एयर एयरसेक्स पे अटैक करता है और मैं आपको दिखाऊंगा जब कोविड अटैक करता है तो यहाँ पे अगर से आप देख पा रहे हैं इस इमेज को जिस तरीके से कोविड ने अटैक किया है तो ये ये जो ग्रीन ग्रीन है एक्चुअली आप इसे आ, लिक्विड भरना भी कह सकते हैं या फिर ये एक इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी अब इन्फ्लेमेशन आप पूछेंगे क्या होता है तो ये बहुत सिंपल है जब कोई फॉरेन मटेरियल आपके बॉडी में इंटर होता है तो जो बॉडी रिस्पांस देती है यानी जो लड़ाई होती है उस फॉरेन मटेरियल से बॉडी के सोल्जर्स की उसे इन्फ्लेमेशन करते हैं इन्फ्लेमेशन से आपकी बॉडी आपके अंदर घुसे वायरस या फॉरेन मटेरियल्स को बाहर निकाल के फेंकती है और आप, आपकी बॉडी को एक नॉर्मल रूटीन uh, देने की कोशिश करती है जैसा वो पहले था यानी वो जंग जो आपकी बॉडी के सोल्जर्स आपकी बॉडी के सिपाही कोरोना वायरस के खिलाफ या फिर कोई अलग फॉरेन मटेरियल आपके बॉडी में एंटर हुआ उसके खिलाफ करते हैं उसी को हम लोग इन्फ्लेमेशन कहते हैं ठीक है उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे अगर से आप फिर से देखें मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ ये पोर्शन फिर से देखें तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो है आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन का एक्शन होता है जो इन्फ्लेमेशन होती है यानी कोरोना वायरस के बीच में और आपके बॉडी के बीच में जो जंग होती है उसकी वजह से ये रिज़ल्ट आता है और जब जंग बहुत ज्यादा होती है और ये जो आपकी बॉडी है बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बनाती है उस कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए बट चीज़ नहीं होती है, तो आपको आ, बहुत ज्यादा फीवर देखने को मिलता है इसका मतलब कि आपकी बॉडी अभी भी लगातार लगी हुई और आप दवा खाने फीवर डाउन नहीं होता है उसके बाद ऑक्सीजन जब थोड़ा मॉडरेट से ज्यादा चीज पहुंच जाती है खतर, खतरे में और बॉडी काम नहीं कर पाती यानी उतने अच्छे से लड़ नहीं पाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे दिक्कत तभी होती है जब कोरोना वायरस आपके बॉडी के अच्छे खासे एयर सेक्स को खा चुका होता है एक तरीके से खत्म कर चुका होता है तो उसमें पानी भर जाता है और फिर जब ऑक्सीजन आप लेते हैं अपने बॉडी में फिर से ऑक्सीजन लेते हैं तो उतनी ज्यादा कारगर नहीं रहती जितनी की वो पहले थी जब आपके एयर सेक्स खुले हुए थे तब आप ले पा रहे थे आसानी से उतने उतना ज्यादा स्मूथ फ्लो नहीं रहता है ऑल इन वंस जब आपके साथ ये दिक्कत आती है और ऑक्सीजन लेने में फिर आपको दिक्कत होती है क्योंकि आपके एयर सेक्स में जो है वो अब पानी या फिर लिक्विड या फिर इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट में जो भी रिस्पॉन्स ने लिया है उस तरीके का मटेरियल भर जाता है जब आपके ऑक्सीजन में कमी होना स्टार्ट होती है तब जो है आपके एस पीओ रेट्स यानी जो अभी तक 98 परसेंट था वो काफी ज्यादा गिर जाता है और गिरते गिरते अगर से ये 90 परसेंट से कम चला गया तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना जरूरी और इमीडिएटली बहुत ज्यादा क्रूशल हो जाता है अब बात करें इन सारी चीज़ों की वजह से लंग डैमेज हो जाती है डेफिनेटली क्योंकि आपके एयर साइज खराब है तो लंग इज डैमेज और लंग अगर से डैमेज हुई तो आपको जाहिर सी बात है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन uh, का तरीका अपनाना पड़ेगा जिसमें से पहला है वेंटिलेटर या फिर आप आर्टिफिशियल ऑक्सीजन अपने घर पे सिलेंडर को इस्तेमाल करके यूज़ करें जिसकी वजह से आपका एस पी रेट मेंटेन रह सके नाइनटी परसेंट नाइनटी परसेंट के ऊपर रह सके और इस टाइम जब हम वेंटिलेटर या ऑक्सीजन लगाते हैं उस टाइम के बीच में ही बॉडी को रिकवर करना बहुत जरूरी होता है चाहे वो एक से लेके सात दिन हो चाहे दस दिन हो चाहे बीस दिन बट कोरोना से आपके बॉडी को एंटीबॉडीज बना के लड़ाई खत्म करके जीतना बहुत जरूरी है और अगर से ये जीत नहीं हासिल हो पाती है, आपके बॉडी को कोरोना वायरस के अगेंस्ट तो एक एक लिमिट होती है ऑक्सीजन देने की और उसके बाद आ, कई सारे मरीज जो आप देख रहे हैं आज मर रहे हैं ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है सिर्फ इसी वजह से कि उनके पास अगर से उनको तीन घंटे की ऑक्सीजन चाहिए और मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है और वो सिर्फ दो तो घंटे तक पहुंची तो एक घंटे के अंदर उस मरीज की डेथ हो सकती है लेकिन अगर से उसे छः घंटे की ऑक्सीजन चाहिए और हमने उसको छः घंटे की ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी तो चांसेस हैं कि वो बच जाए और यही आजकल की प्रॉब्लम है तो अगर से आपको इससे बाहर निकलना है तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ विनती करता हूं कि आप कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें जैसे मास्क कभी कभी भी जो है ना भूलें और आजकल दो मास्क बहुत ज्यादा कंपलसरी हैं क्योंकि जब आप मास्क पहनते हैं तो आपके नाक के बगल से भी हवा अंदर जाती है जिसमें कोरोना वायरस हो सकता है इस वजह से एज अ सेफ़्टी मेज़र आपको दो मास्क पहनने चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर से आपका काम ऐसा है कि आप बिना इंट्रैक्शन के या फिज़िकल प्रेजेंस के नहीं कर सकते तो प्लीज़ डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और तीसरी मेरी आपसे विनती ये रहेगी कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोरोना वायरस जैसी या फिर सिर्फ कोरोना ही नहीं अलग अलग वायरसेस को भी आप ख़त्म कर सकते हैं तो स्टीम और गर्म पानी प्लीज़ एक दिन में एटलीस्ट एक बार ज़रूर ज़रूर करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जान के लिए आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर से प्लीज़ अच्छी लगी है तो इसे लाइक like, सब्सक्राइब करें और मैं हर दिन आपको uh, सारे एक्टिव स्टैट्स के बारे में भी बताता रहूँगा जिससे आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं किस किस तरीके से आप uh, क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकते हैं इस जंग में मैं सबसे आपको अपडेट रखूँगा प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स अल्लाह Bye-bye.